क्या आपको मालूम है कि गायत्री महामंत्र का 19वां अक्षर यो हमको हानिकारक दुर्व्यसनों से बचने की शिक्षा देता है। आइए आज विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस पर हम गायत्री मंत्र के 19वें अक्षर पर लिखी गई एक नवीन जीवन की दिशाधारा बदलने वाली पुस्तक स्वयं पढ़ें और स्वजनों को भी पढ़ाएं। पुस्तक का नाम है प्राण घातक व्यसन। यो योजनम व्यसनेभ्य स्यातात्नि पुंसत्तु शत्रवः मृत्वेतानि सर्वाणि समये घ्रन्ति मानवम्। अर्थात व्यसनों से कोसों दूर रहें क्योंकि वे प्राण घातक शत्रु हैं। व्यसन मनुष्य के वास्तविक प्राण घातक शत्रु हैं। इनमें मादक पदार्थ प्रधान हैं। तंबाकू, चाय, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीजें एक से बढ़कर एक हानिकारक हैं। जैसे थके हुए घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाते हैं, परंतु अंत में उससे घोड़े की बची खुची शक्ति भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार नशा पीने से आरंभ में तो कुछ फुर्ती सी दिखलाई पड़ती है, परंतु परिणाम स्वरूप उससे रही सही शक्ति भी जाती रहती है। मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। व्यसन मित्र के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। नशीले पदार्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। सिनेमा, नाच रंग, व्यभिचार, जुआ आदि कितनी ही हानिकारक एवं अप्रतिष्ठाजनक आदतों में लोग फंस जाते हैं और अपना धन, समय तथा स्वास्थ्य बर्बाद कर डालते हैं। ये दुर्व्यसन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन को ही नष्ट नहीं करते, परंतु बड़े देश, राष्ट्र, जनसमुदाय इनके कारण सर्वनाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। जैसा भारतीय इतिहास के पाठक जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का मूलोच्छेद शराबखोरी के कारण ही हुआ, इसी प्रकार चीन का राष्ट्र अफीम खोरी के कारण नष्ट हो गया। पुराने जमाने में भी मिश्र, यूनान और रोम के उन्नतशील एवं शक्तिशाली राष्ट्र मध्य के फंदे में फंसकर पतन के गर्त में गिर चुके हैं। आइए इस पुस्तक द्वारा जाने कि इन सब दुर्व्यसनों में क्या हानि है और हम इनसे कैसे दूर रह सकते हैं। पुस्तक के कुछ मुख्य अंश। विचार एक प्रचंड शक्ति है। मन में जब कोई गंदा अनर्थकारी विचार प्रवेश हो जाता है तो वासना उद्दीप्त हो जाती है। मन गंदगी, अश्लीलता, वासना और नियंत्रण कम होते ही दौड़ जाता है। मध्य हमें कमजोर, निस्तेज, निशक्तिहीन बनाता है। कमजोर रहना अपराध है, अतः शराब हमें अपराधी बनाती है, इसलिए वह सर्वथा त्याज्य है। तंबाकू कामोद्दीपक पदार्थ है। इसकी उत्तेजना में मनुष्य की पांचवी प्रवृत्तियां उत्तेजित होती हैं और मनुष्य व्यभिचार, अशिष्टता, अनीति की ओर प्रवृत्त होता है। तंबाकू पीने से चरित्रहीनता आती है। आज की दुनिया में शराब, गांजा, सिगरेट, पान इत्यादि तो गजब ढा ही रहे हैं, किंतु उससे भी अधिक महाभयंकर समस्या मानसिक और नैतिक चरित्रहीनता की है। नशा पीकर बुद्धि विकार ग्रस्त होती है तथा मनुष्य मानसिक व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। वासना मूलक कल्पनाओं के वायुमंडल में फंसा रहने से प्रत्यक्ष व्यभिचार की ओर दुष्प्रवृत्ति होती है। तंबाकू का सबसे घातक प्रभाव हमारे रक्त पर पड़ता है। विषैले परमाणु फेफड़े और हृदय तक पहुंचकर मनुष्य के रक्त को विकार में रोगी और निर्बल बना देते हैं। जब यह विष में रक्त नलिका में प्रवाहित रहता है तो रोग धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। प्राण घातक व्यसन। मदिरा प्रकृति के प्रतिकूल है। बीड़ी सिगरेट पीने से हानियां। सभ्यता का विष चाय। अफीम का चातक दुर्व्यसन।
हमारी सभ्यता का कलंक नैतिक चरित्रहीनता, अश्लील उत्तेजक विचार, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन,